बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नासरीन। सेब के बारे में ये तो आपने सुना ही होगा कि आप सेब रोज़ाना खाएं और डॉक्टर से दूर रहें। जी हाँ, सेब एक मुफीद फल ज़रूर है, लेकिन हर चीज़ खाने के कुछ आदाब होते हैं। खासकर फलों और सब्जियों के बाद पानी पीने से खतरनाक नतायज सामने आ सकते हैं। वैसे तो सेब आयरन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, मैगनीज, वाइटामिन सी, B6 से भरे होते हैं। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं जो जिस्म को बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। लेकिन अगर आप भी फलों और सब्जियों के बाद पानी पी लेते हैं तो ज़रा ठहरिए। आज यहाँ हम आपको बताएंगे कि अगर आप सेब खाकर पानी पीते हैं तो इससे आपको क्या क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। सेब खाने के कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नुकसानदेह आदत से छुटकारा पाएं। हमारा जिस्म कुदरत का एक अनमोल तोहफा है, इसकी हिफाजत हमारा फर्ज है। जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे मेदे में मौजूद तेजाब इस खाने को तोड़कर उसको हजम करने में मदद देते हैं, या यूं कह लें कि मेदे का pHQ लेवल तेजाबी होता है। अगर हम कुछ भी खाकर फौरन पानी पी लेते हैं तो ये पानी पीना हमारे pH लेवल को मुतासिर करता है। इसी तरह जब भी हम फल वगैरह खाते हैं, या ये समझ लें कि चूंकि फलों में कुदरती चीनी मौजूद होती है, इसी तरह जब सेब खाकर पानी पीते हैं तो ये इस तेजाबी लेवल को हल्का और पतला कर देता है, जिसकी वजह से तेजाब अपना काम नहीं कर पाता और गिजा को हजम करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ मेदे में कार्बन डाइऑक्साइड बनना शुरू हो जाती है, जिससे गैस की तकलीफ होने लगती है या बारीपन पैदा होने लगता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक जूस और हाजमे के लिए जरूरी एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, रस पतला होने लगता है। ऐसे में अगर आप सेब या दूसरा कोई फल खाकर पानी पीते हैं तो ये आपके लिए मुजरे सेहत होगा। इसीलिए कुछ भी खाने के बाद पानी पीने की आदत को छोड़ना ही बेहतर होगा। सेब के बाद पानी पीने के मुजर असरात। फलों के बाद पानी पीने से मेदे में तेजाबियत बढ़ सकती है और सीने में जलन की भी शिकायत पैदा हो सकती है। निजाम इन्हजाम मुतासर होता है, खाना भी सही हजम नहीं होता, जिससे वजन में इजाफा हो सकता है। इंसुलिन भी बढ़ने का खतरा पैदा होता है, गैस और अफारे की शिकायत हो सकती है। बदहजमी से मुंसलिक बीमारियां, कै, दस्त, मतली वगैरह का अमकान पैदा हो जाता है। माहिरीन गजाइयत का कहना है कि सेब के अलावा भी कोई फल खाएं तो उससे फौरन पहले और बाद दोनों सूरतों में पानी से गुरेज करें, यही आपके लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मुख्तसर सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।